गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। अभी हम उठे, अभी जाके देखते हो नीचे ब्रेकफास्ट बन रहा होगा। अब इसके बाद डिसाइड करते हैं आज का प्लान क्या है। एक्चुअली क्या है, आज नान का बर्थडे है, तो हमने कल रात को 12 बजे सेलिब्रेट किया था केक वेक काट के। एक्चुअली नानू बहुत सब थक गए थे इसलिए थोड़ा सा कम हुआ। और हाँ, कल के ब्लॉग में मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे कि स्मृति और आर्यन कहाँ हैं। स्मृति और आर्यन एक्चुअली कल बहुत थक गए थे इसलिए वो कल रेस्ट कर रहे थे। वो आज के ब्लॉग से आना शुरू हो जाएंगे, तो आपको अगर उनको देखना तो वीडियो को आगे देखते रहिए। तो गाइस, अभी मैं नीचे आके देखा, अभी एक प्लानिंग चल रही है आज करना क्या है। एक्चुअली क्या है ना, नानू नानी थोड़े एजेड है इसलिए उनका थोड़ा वॉकिंग का प्रॉब्लम है। तो अभी उन्होंने बताया है कि एक जंगल ट्रैक है नीचे, लेकिन वही प्रॉब्लम आ रही है कि नानू नानी चल नहीं पाएंगे। तो अभी बता रहे हैं कि यहाँ पे एक पास में एडवेंचर पार्क है, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग, मोटर बाइक सब कुछ है। चलो देखते हैं हम क्या क्या होता है। अभी मेरा कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उनको, क्योंकि है ना सिर्फ क्वारंटाइन पीरियड चल रहा था, तो इतनी एक्टिविटीज चालू की है कि नहीं। चलो मैं देखते हैं, अभी थोड़ी देर बाद कॉफी वॉफी ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। और हाँ, आज आदि और आर्यन और स्मृति दोनों आएंगे, ठीक है। तो ब्लॉग का आगे देखते रहिए। अभी हम जाने वाले पैराग्लाइडिंग, अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं। और यहाँ तक, यहाँ से लेकर पैराग्लाइडिंग के स्पॉट तक 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। अभी क्वालिस आ रही है तो उसमें हम जाने वाले हैं। और वहाँ पे पैराग्लाइडिंग करते वक्त हमें 2-3 घंटे लग जाते हैं। पैराग्लाइडिंग के शूट्स हम GoPro से लेंगे, तो जो मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में। और उसके बाद हम लोग, अगर टाइम बचता तो, रात नहीं होती 6 बजे से ज्यादा लेट नहीं होता, तो हम जंगल ट्रिप में भी जाएंगे। 3 किलोमीटर की वॉक है यहाँ से। तो चलो, जैसे ही सब रेडी होता है हम लोग निकलते हैं। जैसे हम पहुँचते हैं वहाँ पे दिखाता हूँ आपको। हमने अभी इनका GoPro लिया है इन्होंने रेंट पे, वहाँ पे ये लोग पैराग्लाइडिंग पूरा वीडियो शूट वूट करके देंगे। चलो मिलते हैं वहाँ पर। सो हम लोग फिर फाइनली पैराग्लाइडिंग करके आ चुके हैं और अब हम लोग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो भाई, अभी पैराग्लाइडिंग हो चुकी है, अभी हम स्नैक्स वैक्स खाना है, थोड़ी पेट पूजा करेंगे। उसके बाद सोच रहे सामने रिवॉल्विंग बबल है, तो वहाँ पे रिवॉल्विंग बबल खेल के सीधे डिनर करने जाएंगे। तो चलो मिलते हैं, जैसे ही रिवॉल्विंग बबल खत्म हो जाएगा वैसे सीधे डिनर पे मिलते हैं। चलो बाय। हम फाइनली पहुंच चुके, हमने डिनर भी कर लिया है। अब सारे डेकोरेशंस कर रहे हैं कल के लिए, नानू नानी के लिए। कल उनकी 50th एनिवर्सरी है। वाह, आपको पूरा सेलिब्रेशन कल के ब्लॉग में दिख जाएगा। तो चलो दोस्तों, फाइनली बाय, कल मिलते हैं। थे हम मन जाने अब दिल में।